गाइज वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल एंड टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट महिंद्रा थार मॉडिफिकेशन एंड महिंद्रा थार आई है द एडवेंचर गैरेज पे जहाँ पे हम वीडियो शूट करने के लिए आए हैं। और यहाँ पे महिंद्रा थार में इंस्टॉल हो रहा है प्रो मैन का मेटल बम्पर, बहुत ही प्यारा लगने वाला है। इसमें आप यहाँ पे चेक कर लो, जो मेन इसकी चेसिस बॉडी है उसी से बम्पर को इंस्टॉल किया जा रहा है। और यहाँ पे आपको विंच प्लेट भी मिलती है जहाँ पे विंच आप इंस्टॉल करा सकते हो इन फ्यूचर। और इसके साथ में ये है प्रो मैन सीरीज़ का बम्पर, जो देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है। और इसके अंदर हमने IPH इंस्टॉल किया है ट्राई कलर वाला। सो लुक्स एंड प्रेजेंस के मामले में भाई ये बम्पर जो अभी तक जितने भी मार्केट में बम्पर थे ना उन सबको मात देगा। प्रो मैन की यहाँ पर बैजिंग मिलती है, मेटल बम्पर है, 3 पीस का ये बम्पर है। इसके जो साइड का सेक्शन है ये इजीली रिमूव भी हो जाता है अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह करते हो तो, या फिर ब्रेकेज हो जाता है तो पूरा बम्पर रिप्लेस नहीं करना होता है, सिर्फ साइड के पोर्शंस को आप रिप्लेस कर सकते हो। सो ये प्रो मैन ने काफ़ी बढ़िया किया। इसके अलावा फिटमेंट पूरी नट एंड बोल्ट पे केस होती है, कोई भी कटिंग वगैरह नहीं होती है, वेल्डिंग नहीं होती है, और प्रॉपर नट एंड बोल्ट्स इसके बॉक्स के अंदर आते हैं, प्रॉपर ये केस हो जाती है। और यहाँ पे एंग्री बर्ड स्टाइल ग्रिल लगाई है, गाड़ी की ग्रिल भी चेंज करी है, वो जो स्टॉक ग्रिल आती है वो इतनी अच्छी नहीं लगती है तो ग्रिल अपग्रेड करिए, हेडलाइट्स भी अपग्रेड करे हैं। इसके अलावा बैक साइड से जो गाड़ी के अलॉयज़ हैं वो आपने देख ही लिए हैं, अलॉयज़ भी चेंज हैं, और टेल लाइट्स अपग्रेड करी हैं। टेल लाइट्स यहाँ पे जेड शेप्ड टेल लाइट्स अपग्रेड करी हैं जो कि काफ़ी अच्छी लगती हैं, इसका स्टार्टिंग एनिमेशन भी काफ़ी बढ़िया आता है। तो पॉपुलर लाइट्स हैं ये महिंद्रा थार के लिए, सो इनको अपग्रेड किया है। इसके अलावा जो रिफ्लेक्टर्स वगैरह हैं उनको अपग्रेड करें हैं। सो फाइनली द मॉडिफिकेशन हैज़ बिन डन इन महिंद्रा थार एंड ऑल द इंस्टॉलेशन प्रोसेस हैज़ बिन डन। सो यहाँ पे कुछ इस टाइप से लुक आया है गाड़ी का। महिंद्रा थार बहुत प्यारी लग रही है, LED हेडलैम्प्स अपग्रेड हुए हैं, जीप रैंगलर स्टाइल के प्रो मैन सीरीज़ का मेटल बम्पर इंस्टॉल किया है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत एग्रेसिव डिज़ाइन दे रहा है। इसके अलावा एंग्री बर्ड स्टाइल ग्रिल हुई है फ्रंट से जो कि मैट ब्लैक फिनिश में है। सो जो पूरा गाड़ी का मेकओवर है वो यहाँ पे फ्रंट से हो चुका है। बम्पर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बम्पर आप चेक कर सकते हैं, लुक्स प्रीमियम, लुक्स अमेजिंग, काफ़ी बोल्ड अपीरियंस आ रही है। और टायर भी इसमें हैवीली मॉडिफाई करे हुए हैं, अलॉयज़ वगैरह अपग्रेड करें, सो लुक्स बहुत प्यारे आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे ट्राई कलर IPH इंस्टॉल किया है, सो ऑन हाईवेज विजिबिलिटी आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। इसके अलावा जो लुक्स एंड प्रेजेंस हैं गाड़ी की वो बहुत एग्रेसिव हो चुकी हैं, एंग्री बर्ड स्टाइल ग्रिल और प्रो मैन बम्पर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। स्पेशली मुझे इसकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इसके अलावा इसमें आप विंच भी इंस्टॉल करा सकते हैं, अगर आपको चाहिए कि विंच आपको इंस्टॉल कराना है तो अंदर विंच प्लेट पूरी माउंटेड कर रखी है, उस पर आपको विंच इंस्टॉल करानी होगी और इसी के अंदर बम्पर के अंदर ही आपका जो विंच है वो माउंट हो जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया बम्पर है ये और लुक्स काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं। और स्पेशली जो गाड़ी के टायर्स हैं वो मड टेरेन टायर्स हैं ना, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक हैवी लुक अप्रोच दे रहे हैं। सो अब यहाँ पे हम साइड में एलॉयज़ की भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इनक्यूबस के एलॉयज़ लगे हुए हैं, 18 इंचज़ के ये एलॉय व्हील्स हैं। मड टेरेन टायर्स इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करें बिकॉज मड वगैरह में काफ़ी ज़्यादा चलती है, तो MT टायर्स इसके अंदर इंस्टॉल करें हैं। इसके अलावा जो इसकी चौड़ाई है उसको बढ़ाया गया है, यहाँ पे आप प्रॉपर स्पेसिफिक साइज़ भी इसका देख सकते हैं। अगर आपको अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कराना है तो सेम साइज़ का आप इंस्टॉल करा सकते हैं टायर एज वेल एज एलॉय। ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रो मैन की रूफ़ लाइट्स इंस्टॉल करी हैं, ये काफ़ी बढ़िया रूफ़ लाइट्स हैं, क्लीन सेटअप है इसका, वायरिंग वगैरह कुछ भी नहीं दिखती है। और जो इसका साइज़ है वो भी काफ़ी बढ़िया है, ये आपको टोटल 5 पीसेस के अंदर मिलते हैं, 3 एम्बियर कलर में एम्बियंट होंगे और 2 आपके वाइट कलर में एम्बियंट होंगे, तो इनको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम बैक लुक की। सो यहाँ पे आप रियर से देख सकते हैं गाड़ी को, रियर में टेल लैंप्स अपग्रेड हुए हैं, जेड शेप्ड टेल लाइट्स अपग्रेड करी हैं जिनका एनिमेशन काफ़ी अच्छा आता है। इसमें आपको रियर इंडिकेटर मिलता है, रियर पार्किंग लाइट मिलती है और आपको काफ़ी अच्छा सेटअप मिलता है इसका, दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। रिफ्लेक्टर भी इसके अंदर इंस्टॉल करे हैं सेम इसी पैटर्न में, जेड शेप्ड पैटर्न में, तो रिफ्लेक्टर्स इंस्टॉल हो चुके हैं। इसके अलावा पीछे थोड़ा सा सेफ्टी इश्यूज़ को लेके थोड़ा सा कस्टमर को कंसर्न था, तो यहाँ पे उन्होंने अलग से रियर गार्ड इंस्टॉल करा है MTEC का, सो ये भी आप अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करा सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। MTEC का है, कंपनी का है,
तो बहुत बढ़िया आपको प्रोटेक्शन मिलने वाली है पीछे से, इन केस कोई मार देता है ना गाड़ी को, सो उनसे तो सेफ्टी मिल जाएगी। और पीछे से भी गाड़ी पूरी बन चुकी है, सो पूरी महिंद्रा थार कंप्लीट मॉडिफाई हो चुकी है एंड नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। बट बिफोर दैट मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा कोई भी काम कराना है अपनी गाड़ी के अंदर, सो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जितनी भी प्राइस डिटेल्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं गाड़ी के बारे में, स्पेसिफिक आपके मॉडल के बारे में, आप हमसे व्हाट्सअप पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल, द एडवेंचर गैरेज को भी आप फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और मैं आपसे मिलूंगा एक और न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।